शहीद भगत सिंह एकेडमी मध्य विद्यालय के 50वीं वर्षगांठ यानी गोल्डन जुबली के अवसर पर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव समारोह में शिरकत किए। साथ ही पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी भी इस समारोह में हिस्सा लिए। समारोह प्रसाद यादव जी को मैं अपना पॉलिटिकल गुरु मानता हूँ। यस सर। लालू जी जैसा गुरु होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम लोगों को, नौजवानों को, हमारे संगठन के लोगों को भी मार्गदर्शन देते हैं। आज किसी षड्यंत्र के तहत उनको फंसा करके झूठे मुकदमे में उनको अंदर किया हुआ, लेकिन हम लोग लगातार जनता के बीच में, आप लोग के बीच में रात दिन एक करके संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और आज सरस्वती पूजा है, माँ से वंदना करते हैं कि सभी नौजवान, छात्र, महिलाएं, तमाम जो यहाँ एकत्रित है, बच्चे यहाँ एकत्रित है, उधर बच्चे हैं, तो बच्चे लोगों हमको देखने दीजिए, साइड हट जाइए, यहाँ तमाम लोग जो इनका उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, इसमें कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, तमाम यहाँ बच्चे लोग कार्यक्रम में सब पूजा करेगा। हमारे ये माननीय अतिथि और इस देश के छोटे छोटे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, और हमारे बीच जो ये कार्यक्रम के आयोजक वार्ड 12 के वार्ड प्रतिनिधि हमारे उल्लू भैया हैं, हमारे जो बड़े बड़े वशिष्ठ नागरिक वार्ड 12 और बिहार के राजनीतिक में एक नया आयाम, नया समय खींचने का ढांचा रखने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं उनका बिहार में एक छात्र नेता के रूप में है, हम छात्रों के सवाल को लेकर, चाहे वो सवाल शिक्षा का हो या रोजगार का हो, हम इन सवाल के साथ लगते हैं। वही सवाल के साथ इस स्कूल का जो नींव होने वाले हैं स्वर्गीय विश्वविद्यालय साहब ठाकुर को भी हम इस मंच से नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने इस स्कूल को बनाया, कि हर बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, सस्ती शिक्षा मिलना चाहिए। हम स्वर्गीय विश्वविद्यालय ठाकुर को भी नमन करते हैं इस मंच से। साथियों, हम लोग भाई 50 साल बहुत खुश नसीब है कि आज स्कूल का 50वां जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। और 50 साल कैसे बीत गए, तुम सर ही बता रहे थे, मुनेश्वर सर बता रहे थे कि बहुत संघर्ष कर ये स्कूल बनाए। और स्वर्गीय किशन थारी ठाकुर जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और हमारे बीच नहीं है। इस विद्यालय से जितने भी बच्चे पढ़ के निकले वो अपने आप में एक भगत सिंह होना चाहिए। और आप तमाम बच्चे लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब यहाँ से आप पढ़ के निकले तो शहीद भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आप लोग चलेंगे ना? शहीद भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, चलेंगे। तो आप तमाम लोगों से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप तमाम लोग सबसे पहले जो देश की कीमती चीज है वो है समय। आप तमाम लोग अपने समय से भैया हर एक कार्य को कीजिएगा। तो मेरा हार्दिक अभिनंदन है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस स्कूल का एक हिस्सा भी हूँ। और इस स्कूल के विकास के लिए जो भी हमसे संभव होगा मैं करूंगी, और इन लोगों के साथ हमेशा मैं साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद।